स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पश्चिम बंगाल का मॉडर्न और डेवलप्ड शहर दुर्गापुर को। पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है दुर्गापुर, जो बहुत ही डेवलप्ड शहर है। दुर्गापुर में हर तरफ से विकास का काम हुआ है, जो कि दुर्गापुर आते ही पता चलता है। अच्छी सड़क से लेकर ब्यूटीफुल गार्डन, हाई रेस स्काईस्क्रैपर से लेकर मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, बस टर्मिनल से लेकर रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, दुर्गापुर में सब कुछ मौजूद है, जो दुर्गापुर को बनाता है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड शहर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक प्लानिंग सिटी है, जिसे आर्किटेक्ट द्वारा प्लानिंग किया गया है शहर को बसाने से पहले। हम लोगों में से कई सारे लोग सिर्फ कोलकाता को ही प्लानिंग सिटी मानते हैं, लेकिन दुर्गापुर भी एक प्लानिंग सिटी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं दुर्गापुर शहर को और जानते हैं दुर्गापुर शहर के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इंडियन स्टेट पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है दुर्गापुर, जो कि अजय और दामोदर नदी के तट पर बसा है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी करीब 10 लाख है। आबादी के लिहाज से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के चौथे स्थान पर है और समुद्रिक स्तर से 40 मीटर ऊंचाई पर बसा है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर है, इसके पीछे कई सारे वजह भी है। स्टील सिटी दुर्गापुर, दुर्गापुर को स्टील सिटी कहा जाता है। दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स मौजूद है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर में है, जिसे 1955 में यूनाइटेड किंगडम के मदद से एस्टेब्लिश किया गया था। और ये स्टील प्लांट 1266 एकड़ में फैला हुआ है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं ये एरिया कितना बड़ा होगा। दुर्गापुर का नाम पहले गोपीनाथपुर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के जमींदार गोपीनाथ चट्टोपाध्याय था। बाद में उनके पुत्र दुर्गादास के नाम पे शहर का नाम दुर्गापुर पड़ा। दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का तेजी के साथ बढ़ता हुआ शहर है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के सीएम के रहते हुए दुर्गापुर शहर का प्लानिंग बनाया था और उसी प्लानिंग के अनुसार दुर्गापुर शहर को बसाया गया था। दुर्गापुर शहर को दो आर्किटेक्ट ने मिलकर रूप दिया था, बेंजामिन पॉल और जोसेफ एलन स्टेन ने। और क्या आपको पता है दुर्गापुर भारत के इतिहास का दूसरा प्लान्ड सिटी है। दुर्गापुर में दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, स्टील प्लांट्स और भी कई सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी दुर्गापुर में मौजूद है और इन जगह से बड़ी रकम इंडिया के इकोनॉमी में ऐड करता है। दोस्तों कोलकाता के अलावा दुर्गापुर में भी काफी सारे आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी मौजूद है। यहाँ पे आईटी पार्क मौजूद है, जहाँ पे वेबेल, आईग्लोबल जैसे कंपनी शामिल है। दुर्गापुर में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी मौजूद होने के कारण काफी सारे बिजनेसमैन और लोगों की यातायात शहर में लगा रहता है, जिससे दुर्गापुर बनता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी। दुर्गापुर में काफी सारे परिचित स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मौजूद है। दुर्गापुर में ज्यादातर लोग शिक्षित है। यहाँ पे मौजूद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगाल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग, NSHIM जैसे कैंपस शहर के अंदर मौजूद है। दुर्गापुर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी एंड इंजीनियरिंग कैंपस है, जिससे दुर्गापुर को बना दिया है एजुकेशनल डेस्टिनेशन। दुर्गापुर कोलकाता की बहुत ही नजदीक शहर है, इस वजह से बिजनेस स्टार्टअप के लिए दुर्गापुर एक अच्छी जगह है इन्वेस्टर्स के लिए। कोलकाता से दुर्गापुर की दूरी 170 किलोमीटर के आसपास है। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। ये एक मॉडल स्टेशन है बर्धमान एंड आसानसोल सेक्शन के। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन 1855 में ओपन हुआ था। यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण ट्रेन गुजरती है, जिसमें हावड़ा दिल्ली रूट शामिल है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और सिलीगुड़ी के अलावा भी दुर्गापुर में भी एयरपोर्ट मौजूद है। कभी कजी नजरुल इस्लाम के नाम पे दुर्गापुर एयरपोर्ट का नाम पड़ा। इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में इसकी रैंक है 70। दुर्गापुर शहर में बंगाली कल्चर है। यहाँ के खाना भी बंगाली स्टाइल से बनता है। शहर के ऑफिशियली लैंग्वेज है बांग्ला, लेकिन बांग्ला के अलावा भी कई सारे भाषाओं से लोग बात करता है। दुर्गापुर की मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। यहाँ पे कई सारे बड़ी पंडाल बनता है। दुर्गापुर में अच्छी फैसिलिटीज के साथ हॉस्पिटल एंड शॉपिंग मॉल शामिल है। दुर्गापुर की सिटी सेंटर मॉल एक बहुत ही फेमस शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे हमेशा ही यंगस्टर्स की भीड़ लगा रहता है। दुर्गापुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ उनकी हस्बैंड ड्यूक के साथ दुर्गापुर के स्टील प्लांट पर विजिट किया था। इस वजह से वर्ल्ड मैप में दुर्गापुर का नाम लोग पहचानने लगे एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के तौर पर। दुर्गापुर बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ है।
सिंगर श्रेया घोषाल जिसकी म्यूजिकल वॉइस से पूरा इंडिया दीवाना है, श्रेया घोषाल दुर्गापुर से रिलेट करती है। दुर्गापुर हाईवे तो लगभग हम सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुर्गापुर इज वन ऑफ द वेरी रेयर सिटीज इन इंडिया जहां से एशियन हाईवे पास हुआ है। दुर्गापुर में AH1 है जो एशिया के मेजर कंट्रीज को जुड़ता है। ये हाईवे जापान टू टर्की वाया चाइना, वियतनाम, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान एंड अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। दुर्गापुर में ICD मौजूद है और ये ओनली आइलैंड पोर्ट है जो फंक्शनल है ईस्टर्न इंडिया में। एलाइड ICD सर्विस लिमिटेड इस आइलैंड की कस्टोडियन है। दुर्गापुर में कई सारे पार्क एंड गार्डन मौजूद है। यहाँ पे कई सारे घूमने लायक भी जगह है जिसमें आनंद अमोसमेंट पार्क, दुर्गापुर बैरेज रिवर, देवली पार्क, स्टील प्लांट, त्रिनोका पार्क, बेना छिटी, सिटी सेंटर, राम मंदिर और भी कई सारी जगह यहाँ पे शामिल है। दुर्गापुर तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हुआ है। पश्चिम बंगाल का बड़ा शहर दुर्गापुर कई सारे लैंडमार्क है। यहाँ के इंडस्ट्रियल साइड में काफी डेवलपमेंट हुआ है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बना है जो हर तरफ से नजर आता है और ये पश्चिम बंगाल का सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है। दुर्गापुर की कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में गर्व करने की बात है। हाँ, मुझे पता है दुर्गापुर शहर से जुड़ा हुआ कई सारे बात है जो मैंने मिस कर दिया, शायद कोई और वीडियो में हम लोग जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो दुर्गापुर शहर से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट पे जरूर बताएं। पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनता है और वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।